हेलो नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंडीड। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैं अभी हूँ बोलोनियास सेंट्रल के ट्रेन स्टेशन पे। सुबह के बजे है 5 और अभी मेरी यहाँ से ट्रेन है बोलोनिया टू बोलजानो। अभी ये मेरा भाई आया है मेरे साथ छोड़ने, श्रेयश। तो मैं आपको पूरा ब्लॉग दिखाऊंगा कैसे स्टार्टिंग से एंडिंग तक। और यहाँ से और एक ट्रेन चेंज करनी है मुझे, यहाँ से वेरोना, फिर वेरोना से जाएगा ओरा कि वो जो है बोलजानो के पास में। तो ट्रेन को लगभग अभी 20 मिनट बाकी है। मैं और श्रेयश आए अभी कैफे में, तो फटाफट से ये कैपुचिनो और कॉर्नेटो ख़त्म करके निकल जाएंगे ट्रेन से। और एक बोतल भी लेनी है पानी की, फटाफट से ये डाल दिए 2 हीरो। ये है 64 नंबर, 64। ये आ गई अपनी बोतल, ये अपने एक हीरो। चलो निकलते हैं अभी, बाय बाय। तो मैंने रख दिया ये मेरी बैग हियर। वैसे आप देख सकते हो कि ट्रेन पूरी खाली पड़ी है और रुक हो जा रहा है। तो सबसे पहले मैं सबसे आपको माफ़ी मांगना चाहता हूँ क्योंकि मैंने 3 महीने से एक भी वीडियो नहीं डाला। पूरे एग्जाम चल रहे थे इसके वजह से मैं वीडियोस नहीं बना पाया, तो इसलिए मैं अभी ये वीडियोस डाल रहा हूँ। और सबसे एक बात कहनी थी कि आपका दिल से शुक्रिया क्योंकि आप लोगों ने इतना सपोर्ट किया है मुझे, कि व्यूज़ भी बहुत अच्छे दे रहे लोग। मैं आपको पूरा ट्रेन का ये दिखाऊंगा कि जाते कैसे है, यहाँ से थोड़े नज़ारे दिखाऊंगा। मैं तो पहले बोलोनिया छोड़ रहा हूँ, अभी बोलजानो में उधर 4 महीने के लिए जा रहा हूँ मिनिमम। मेरी लग गई है इंटर्नशिप वहाँ, तो एक रिसर्च स्टेशन है जिसमें ग्रेप्स और एप्पल्स का रिसर्च होता है। जैसे मैं आपको पहले बताया था मैं हॉर्टिकल्चर बैकग्राउंड से हूँ। ये बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी आई है मुझे, फिर सब अपना बोरा बिस्तारा लेके अभी जा रहा हूँ। मैं भी जा रहा हूँ अभी वेरोना से जाऊँगा बोलजानो। बोलजानो में ओरा करके स्टेशन है, तो वहाँ मेरा दोस्त आ रहा है माइकल, तो वो भी उस रिसर्च स्टेशन में काम करता है, तो वो मुझे लेने आ रहा है। तो फिर उसके साथ जाऊँगा रिसर्च स्टेशन और बीच में आपको बताऊँगा कि क्या क्या हुआ है ये 3 महीनों के बीच। थोड़ा प्रॉब्लम हुआ है, ये ट्रेन जो है 6:59 को पहुँचेगी वेरोना और वहाँ से मुझे दूसरी ट्रेन पकड़नी है जो जाएगी ओरा बोलजानो, तो वो है 7:06 पर। तो ये जो टाइमिंग है बीच में, बस मेरे पास है 7 मिनट और इधर से मुझे दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाना है। मुझे कुछ मालूम नहीं यहाँ से, टफ होगा। मैंने एक दो इधर से लोगों को पूछा तो एक बंदा है वो मुझे हेल्प करेगा मतलब उधर जाने के लिए। होपफुली ये ट्रेन दूसरी मिल जाए, नहीं तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा बहुत बड़ा। ये जो दो लोग थे उन्होंने मेरा ये बैग एक लेके आ गए इधर। हाँ फाइनली पकड़ ली ट्रेन। अच्छा मतलब रिसर्च होता है एप्पल्स पे भी। 9:05 तक पहुंच जाऊंगा, तो माइकल आएगा, मैंने उसको कॉल किया है माइकल को, वो बोला आ रहा है वो कार लेके। तो थोड़े से और सिनेमैटिक शॉट्स दिखाता हूँ। अभी मैं जिस
जगह जा रहा हूँ, तो वहाँ से आपने सुना होगा एक डोलोमाइट्स करके माउंटेन्स है, तो वो बहुत सुंदर माउंटेन्स है, वो वहाँ से दिखते हैं। अगर मैं यहाँ 2 महीने पहले आता तो यहाँ पूरे स्नो कैप माउंटेन्स थे, खतरनाक बर्फ था यहाँ पूरा। सो फाइनली मैं ओरा में पहुंच गया हूँ, अभी ट्रेन निकल रही है। अभी मेरा जो दोस्त है माइकल, वो शायद वेट कर रहा है मेरा। ये देखो ये भाई आ गया है। ओह Yeah. Yeah. Where have you parked your car? Yeah. Okay. So shall I wait here? Yeah? Yeah. Yes. Yes. I'll wait for you. Yeah. Attention, Mister. Yes. Attention. Yes. Oh. Ah, attention. So यहाँ से हम जाएंगे रिसर्च स्टेशन। पूरा मतलब ये माहौल ही इधर का अलग है यार। एकदम फ्रेश और एकदम कोल्ड और एकदम मस्त लग रहा है। कुछ पोल्यूशन नहीं, कुछ नहीं। आपको इधर का थोड़ा सा सिनेमैटिक दिखा देता हूँ। So he is Michael. Hello. And he is my classmate. And he is also working in Lionberg. इधर उन्होंने मेरा एक रूम बुक किया है। तो ये स्कूल है बेसिकली एग्रीकल्चर का। दोस्त माइकल तो ऊपर गया देखने के लिए कि कीज़ है या नहीं, तो फिर मैं इधर रुका हूँ। जैसे ही उसका कंफर्मेशन आएगा मैं ऊपर जाऊँगा। ये स्कूल है, इसमें हेलो। तो मैं अब आ चुका हूँ ऊपर। आज का ख़त्म हो गया, कुछ किया नहीं आज मैंने, बस लाइब्रेरी में बैठा था, बुक्स पढ़ रहा था। तो अब आपको दिखाऊंगा पूरा हाउस कैसा है यार। ये पूरा, ये देखो, ये शायद दूसरे की रूम है। ये मेरी ये अच्छा, ये मेरे रूम है, ठीक है। तो ये आपको किचन दिखा देता हूँ। ओके, ये है किचन। ये इधर बैठ के खाना खाने का। ओके, यहाँ से बाहर का व्यू दिखा देता हूँ। ओ भाई साहब, पहाड़ पहाड़ बस पहाड़। और ये है शायद से ये हॉल है। रुको यहाँ की लाइट लगा देता हूँ। हाँ ये देखो, ये हॉल है अपना। यहाँ बैठ के मस्त टीवी देखने का है। चलो अब मेरी रूम दिखाता हूँ। अब जाते हैं मेरे रूम पे। ये बाहर की लाइट। ओ भाई कितना ये करना पड़ता है। ओ लाइट लगा दी। ओ पहले लॉक कर दे, ठीक है। ये है मेरा रूम। चलो ये, वाह, चलो ठीक है। ये टॉयलेट पेपर है, अभी क्या करें। अच्छा है। तो ये कुछ है,
क्यों दिखाता हूँ आपको। ओ भाई साहब, ये कुछ अलग ही है, अलग किस्म का ऑर्गेजम है भाई, खतरनाक। वाह वाह वाह। चलो, अच्छा रूम दिया है उन्होंने। ये इंटर्नशिप पेड है और इसके साथ बहुत ही अच्छा रहने का दिया है, मस्त। दोपहर का लंच भी अच्छा था, मैं वो शूट करना भूल गया। यार आज का दिन अच्छा था, कुछ खास नहीं हुआ इतना, पर देख लिया मैंने यहाँ वाइनरी वगैरह भी है। अच्छा, पूरा मतलब ये गवर्नमेंट फंडेड है पूरा, खतरनाक है इनका कैंपस, मतलब 120 एकड़ में है पूरा ये आबिद का, और इनका अब दूसरी जगह और एक शायद से 100 एकड़ है। बताऊँगा ये इंटर्नशिप कैसी मिली, क्या मिली, इसके बारे में भी बताऊँगा बाद में, कैसे अप्लाई करना होता है। चलो कोई बात नहीं यार, अभी तो व्लॉग्स आते रहेंगे। ये आज का वीडियो एंड करते हैं। अगर आपको अच्छा लगा तो शेयर कर देना अपने दोस्तों से, और लाइक और ये तो कमेंट आप करते ही हो मुझे मालूम है, और करो। चलो तब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखना, और वीडियो आते रहेंगे। चलो बाय।